अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहता है कि क्या होगा जब हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होगा। तो कोई भी रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिंक का एग्जांपल ले लिया जाए। तो सिक्स का ए में मान लीजिए हम जिंक जैसा मेटल को डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। HCl कैसा होना चाहिए? डायल्यूट होना चाहिए। यहाँ बगल लिख देते हैं डायल्यूट है, तो डायल्यूट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक और एसिड का रिएक्शन हम लोग को पता है, मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस होता है और सॉल्ट होता है। तो Zn प्लस HCl से बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। ओके, तो यहाँ इसको बैलेंस कर ले, दो हाइड्रोजन है, दो कर दिए, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, बैलेंस हो गया। इसमें तो कुछ खास चीज नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि क्या होगा जब आप आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, कैसा? तो इसको भी डाइल्यूट ले लेते हैं, कंसेंट्रेटेड भी लेके आप कर सकते हैं। तो Fe प्लस H2SO4 से क्या बनेगा? इसमें बनेगा FeSO4 आयरन सल्फेट, FeSO4, और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें भी, क्योंकि मेटल और एसिड का रिएक्शन तो यही होता है। ठीक है, मेटल प्लस एसिड से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसमें कोई डिफरेंट प्रोडक्ट देने वाला नहीं है, इसमें भी आपका सेम प्रोडक्ट ही आएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाता है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन टू सल्फेट। आखिर क्या होता है जब जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट में डालते हैं तो क्या देखने को मिलता है? देखते हैं भाई, जिंक मेटल को जब हम लोग डालते हैं किसमें? FeSO4 में, आयरन टू सल्फेट। इसका वैलेंसी यहां 2 आयरन है, इसलिए इसको आयरन टू सल्फेट कहा जाता है। क्या होता है, तो जो जिंक और आयरन में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, अगर जिंक ज्यादा होगा तो डिस्प्लेस करेगा, कम होगा तो छोड़ देगा, उसको नो रिएक्शन कर जाएगा। तो लिखते हैं, हम लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक अंदर चला जाएगा और आयरन को यहां से उठाकर बाहर कर देगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो होगा हमारे पास क्या? ZnSO4 प्लस Fe मेटल यहां से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ओके, एक चीज और समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का पहचान कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो जैसा आप यहां देख रहे हैं, एक तरफ मेटल दिखाई देगा, एक तरफ मेटल का सॉल्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों साइड मेटल का सॉल्ट होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट में एक आपको सिंगल मेटल दिखाई देगा और एक तरफ मेटल का सॉल्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों तरफ मेटल का सॉल्ट रहेगा। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयन का अदला बदली करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। सोडियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका जो कंपाउंड होता है सोडियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड, उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? जब दो कंपाउंड, जो दो एलिमेंट कंपाउंड बनाता है आपस में जुड़ता है, तो ऐसा करते वक्त वो दोनों आइदर अपना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन करता है, कंप्लीट ट्रांसफर इसको कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो अगर लूज गेन कर रहा, जान रहे कि मेटल नॉन मेटल, तो लूज गेन करेगा, एक कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। इस केस में कौन कितना लूज किया, कौन कितना गेन किया, और लूज करके कहां गया और गेन करके कहां गया, उस इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट लगा के दिखाना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं सोडियम का ऑक्सीजन के साथ। हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम जो कि मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा? 281। हम लोगों को पता है कि हम लोग सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन से मतलब रखते हैं, कोर शेल का या इनर शेल का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास सोडियम है, इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बना देते हैं भाई एक सोडियम इसका वैलेंस शेल में बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस किसी से दिखा सकते हैं, तो मान लेते हैं सोडियम है, इसको एक डॉट से दिखा दिए, हो गया। अब हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा 26, मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, इस ऑक्सीजन के बाहरी शेल में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, इस ऑक्सीजन को आप अपना वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। इसके पास पहले से 6 है, दो किसी से लेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, ये किसी ना किसी से ले ही लेगा। जबकि वहां सोडियम को देखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है एक से इलेक्ट्रॉन है बाहर में, या तो सात किसी से ले ले अपना एक छोड़ दे, दो ऑक्सीजन है, अगर सात गेन करेगा ज्यादा एनर्जी लगेगा तो बाहर देखिए एक हटा देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका भी इजिली ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो दोनों में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखते हैं कैसे होता है, हम यहां पर एक ऑक्सीजन को रख देते हैं, इस ऑक्सीजन को यहां मिटा देते हैं,
ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन करना है। मेरे पास इस सोडियम के पास एक है, तो एक से इसका जरूरत पूरा होने से रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सोडियम का मेटल और ले आते हैं। तो इसके पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको डोनेट करेगा और ये वाला भी इसको डोनेट करेगा। ये दोनों क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सोडियम के से मैक्सिमम ऑक्सीजन की तरफ हुआ। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सोडियम पर भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, जबकि इस ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए क्यों आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसके अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन तो उधार लिया सोडियम का, तो ये दोनों यहां पर आ गया। अब क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में भी 8 पूरा हो गया, सोडियम का भी 8 हो गया, क्योंकि लूज किया है। अब ये आउटर सेल में देखिए खाली हो जाएगा, तो यह 8 बचेगा, तो इस पर आ जाएगा 2 माइनस। देखिए यहाँ 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में +2 -2 ओवरऑल क्या होता है, चार्ज खत्म हो जाता है, तो ये हो गया 0। इस पूरे कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रलाइज हो गया और दोनों कंपाउंड बन गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो भी बता देते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दिखाइएगा, सॉरी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को अगर आप डॉट से दिखा रहे हैं, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ऐसा क्रॉस से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्रॉस लिख सकते हैं, इसमें इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, या मैं यहां से सेपरेट एक अलग फिगर्स को समझा देता हूं बनाकर। जैसे हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, इसका खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन था, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे लिया, सोडियम से लिया, एक इस वाले सोडियम से लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस सोडियम से लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस से दिखाया जाता है। ये भी तरीका है, देखिए ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये किसी बुक में नहीं, मेरा अपना राय है कि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो सोडियम का रहे चाहे ऑक्सीजन का रहे, चाहे दुनिया में किसी का भी इलेक्ट्रॉन रहे, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर, पोटासियम, किसी का इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज से पे कोई डिफरेंस नहीं होता, उसका मास में, उसका चार्ज में, उसका प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग क्यों दिखाएं, इलेक्ट्रॉन को एक ही जैसा सिंबल यूज करेंगे, जब सब कुछ एक जैसा है उसका प्रॉपर्टीज, उसको हम अलग सिंबल क्यों यूज करें। ठीक है, ये तो अपने समझदारी है कि सोडियम मेटल का है, उसको हम दिखा दिए यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से ट्रांसफर एरो दिखा दिए, एरो से तो समझ सकते हैं कि इसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसको अलग से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, ये काम कर सकते हैं, यहाँ वाला डॉट आप दूसरा पेन से दिखा दीजिए, जैसे ब्लैक पेन से है इसको ब्लू से, इधर ब्लैक है इसको रेड से, या दो डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीका है, बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, इसमें बोलता है कि भाई आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा आपका 282। और ऑक्सीजन का तो खैर जानते हैं हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका हो जाता है 2 एंड 6। देखेंगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 लूज करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ आयन बनाता है, इसको साथ ही साथ दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, Mg मैग्नीशियम, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लूज करके 8 पूरा करेगा, ये 2 गेन करके 8 पूरा करेगा, तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां क्या हो जाता है, Mg के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन के पास गया, तो 2+ चार्ज आएगा। ठीक है, +2, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, Mg और ऑक्सीजन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 2 इससे गेन किया, 7 एंड 8। इस पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से +2 चार्ज आया, इस पर -2 चार्ज आया। अब हम लोग क्या जानते हैं मैथमेटिक्स का रूल, +2 एंड -2 क्या होगा, 0 होगा, तो चार्ज खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया, और कंपाउंड मेरा जो बन गया उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दोज कंपाउंड। भाई दो कंपाउंड्स हम लोग पढ़े, एक सोडियम का ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकला हमारे पास N2O और मैग्नीशियम का निकला MgO। तो दोनों में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है देखते हैं। तो सोडियम वाला सोडियम ऑक्साइड में दो आयन था, एक सोडियम का आयन था Na+ और एक ऑक्सीजन का आयन था O2-। ठीक है, और MgO में कौन है, एक मैग्नीशियम का आयन है, एक ऑक्सीजन का आयन है, Mg2+ O2- है। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके,